जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से चीन ने भारत के सामने लद्दाख वापस देने के लिए लात खाने वाला प्रस्ताव रखा है। चीन ने लद्दाख को वापस करने का ऐलान किया है, लेकिन इसके बदले में एक बेहद कड़ी शर्त रख दी है। यह स्थिति कुछ ऐसी है जैसे कोई आपके घर में घुसकर कब्जा कर ले और फिर कहे कि बदले में अगर आप उसे अपना आंगन सौंप देंगे तो वह आपके घर का एक हिस्सा आपको वापस कर देगा। यह प्रस्ताव किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वह जमीन आपकी है और आप उसे हासिल करने के लिए अपना घर कैसे सौंप सकते हैं। चीन चाहता था कि भारत उसे अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, खासकर तवांग और आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग का अधिकार दे। चीन का तर्क यह था कि यदि भारत अरुणाचल के इन हिस्सों को छोड़ता है तो वह लद्दाख के कुछ हिस्सों में भारत को पेट्रोलिंग की अनुमति देगा, जहां उसने अप्रैल 2020 के बाद से भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग से रोक रखा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन भारत को लद्दाख का जो हिस्सा वापस कर रहा है वह पहले से ही भारत का था और जिस पर चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। यकीन मानिए, आज की पूरी स्टोरी आपका खून खोला देगा। इसी तरह का ड्रामा करके चीन ने तिब्बत और अक्षाई चीन भी हड़प लिया था, लेकिन अब भारत के पास चीन का मुंह तोड़ने के लिए एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। 1962 के भारत चीन युद्ध में भी चीन ने अक्षाई चीन पर कब्जा कर लिया, जो लद्दाख का हिस्सा है। यह इलाका सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से तिब्बत को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग गुजरता है। चीन इसे अपने कब्जे में मानता है, जबकि भारत इसे अपनी भूमि का हिस्सा मानता है। और अब एक बार फिर से चीन ने लद्दाख के महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया है और उसे वापस करने के बदले में वह अरुणाचल मांग रहा है। आज आपको पता चल गया है कि चीन वह सांप है जिसके सामने नेवला बनकर ही रहना होगा। भारत कभी भी अरुणाचल प्रदेश का एक भी हिस्सा चीन को नहीं देगा, चाहे वे किसी भी प्रकार का प्रस्ताव क्यों न रखे। इसके साथ ही लद्दाख के हिस्सों को वापस पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाना और चीनी दबाव के खिलाफ डटकर खड़े रहना होगा। और ऐसा काम कौन कर सकता है, आप नीचे कमेंट में बताएं। चीन के अरुणाचल वाले प्रस्ताव को सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। यह स्थिति कुछ ऐसी है जैसे कोई मजबूत पड़ोसी आपके घर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले और फिर कहे कि वह आपके पूरे घर की देखभाल करेगा, जबकि आप अपने ही घर में मेहमान बनकर रहेंगे। चीन ने 1950 में तिब्बत पर हमला कर उसे जबरदस्ती अपने नियंत्रण में ले लिया। तिब्बत जो एक स्वतंत्र राष्ट्र था और अपनी संस्कृति और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध था, अब चीन के कब्जे में है। लाखों तिब्बती शरणार्थी बनकर भारत जैसे देशों में रह रहे हैं और दलाई लामा जैसे उनके आध्यात्मिक नेताओं को भी निर्वासन में जाना पड़ा। ये दिखाता है कि चीन इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है, उसे हर हाल में दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। इतना ही नहीं, 1970 के दशक में चीन ने सिक्किम पर दावा किया था, जो 1975 में भारत का एक राज्य बना था। हालांकि चीन ने 2003 में सिक्किम को आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा मान लिया, लेकिन कई बार उसने अपनी पुरानी दावेदारी के संकेत दिए हैं। अगला सवाल है कि चीन के इस प्रस्ताव को लेकर भारत में जबरदस्त गुस्सा क्यों है। तो देखिए, चीन का यह प्रस्ताव भारत के संप्रभुता पर सवाल खड़े कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और वहां के लोग खुद को भारतीय मानते हैं, तो फिर भारत के इस राज्य में वह पकौड़ा बेचना क्यों चाहता है। इस क्षेत्र को चीन को देने का कोई भी विचार भारत की संप्रभुता के खिलाफ होगा। दोस्तों, चीन के इस प्रस्ताव का मुंहतोड़ जवाब देना होगा और भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तुरंत वीटो पावर भी लेना होगा। यह राष्ट्रीय अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का उल्लंघन होगा। इस बार अगर आप चुपचाप बैठ गए तो अगली बार चीन बोलेगा, नई दिल्ली भी हमारा हिस्सा है, अगर वे वापस चाहिए तो बदले में कोलकाता दे दो। चीन के इस प्रस्ताव को लेकर भारत में गुस्सा इसलिए भी है कि उसने हमारे प्रिय लद्दाख पर कब्जा कैसे कर लिया। लद्दाख का जिस हिस्से पर चीन ने अप्रैल 2020 के बाद कब्जा जमाया है वह पहले से ही भारत का हिस्सा है। चीन ने अवैध रूप से उस क्षेत्र में अपनी सेना को तैनात किया है और पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 12 और 13 पर भारतीय सैनिकों को जाने से रोक रखा है। ऐसे में चीन की इस मांग के बदले में भारत अपना क्षेत्र उसे दे अनुचित है। यह एक तरह का टेरिटोरियल ब्लैकमेल है। इसका जवाब देने के लिए भारत को तिब्बत पर दावा ठोका जाना चाहिए और चीन को पीछे भागना होगा, नहीं तो वह आगे बढ़ता ही चला जाएगा। आखिर कब काम आएंगे हमारे इतने महंगे हथियार।
जब वह लद्दाख की जमीन ले लेगा। यह समय है आर पार जंग का और अपना जमीन वापस लेने का। इस प्रस्ताव में चीन ने भारत का जो अंग मांगा है वह बेहद महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश का तुवांग क्षेत्र धार्मिक और सामरिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति से भारत की सुरक्षा रणनीति पर भी असर पड़ता है। चीन इस क्षेत्र को लेकर इसलिए भी इच्छुक है क्योंकि तुवांग तिब्बत और भूटान के पास स्थित है, जिससे चीन के विस्तारवादी एजेंडे को फायदा हो सकता है और वह चिकन नेक को काट सकता है। इसलिए जरूरी है भारत अपने हथियारों को तुवांग इलाके में पहुंचाना शुरू करे और चीन पर नए प्रतिबंध लगाए, ताकि वह दोबारा ऐसे प्रस्ताव जारी करने से पहले चार बार पानी में डुबकी लगाए। चीन को जोरदार जवाब देते हुए भारत को सबसे पहले बॉर्डर पर चारों तरफ माइक लगाकर यह अनाउंस करना चाहिए कि तिब्बत और ताइवान चीन का पार्ट नहीं है, और तब जाकर चीन की नींद खुलेगी। दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामकता इसी तरह की है। चीन ने इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप बनाए और फिर पूरी समुद्री सीमा पर दावा ठोक दिया, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे कई देशों के इस क्षेत्र पर अपने अपने दावे थे। चीन ने अपनी नौसेना की मदद से इन देशों को दबाने की कोशिश की और अब इस क्षेत्र पर उसका लगभग पूरा कब्जा है। अगला सवाल है कि चीन ने अरुणाचल के किन दो इलाकों को मांगा है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हो रही चर्चा में चीन ने हाल ही में दो संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग की मांग की है। ये इलाके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो भारत के नियंत्रण में दशकों से है। इनमें से एक इलाका यांगत्से है, जो तुवांग के उत्तर पूर्व में स्थित है, जहां दिसंबर 2022 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। दूसरा इलाका अरुणाचल के केंद्रीय हिस्से में सुबनसिरी नदी घाटी के पास है। अगला सवाल है कि चीन ने लद्दाख के किन इलाकों पर नया कब्जा किया हुआ है। चीन की यह मांग तब आई है जब भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों में 21 राउंड की बातचीत हो चुकी है। यह बातचीत पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चल रहे विवाद को लेकर हो रही है। यहां चीन ने भारतीय सैनिकों को पेट्रोल पॉइंट्स PP 10, 11, 12 और 13 पर पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। आखिरी बार भारतीय सेना ने जनवरी 2020 में इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग की थी। ये पॉइंट्स 972 वर्ग किलोमीटर के डेपसांग पठार के एक भौगोलिक इलाके से शुरू होते हैं, जिसे बोटल नेक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि लद्दाख विवाद को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में क्या कहा था। विदेश मंत्री S. जयशंकर ने एक कार्यक्रम में पहली बार यह स्वीकार किया कि भारत चीन के बीच विवाद पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर भी है। उन्होंने कहा कि 2020 के बाद से पेट्रोलिंग की व्यवस्था गड़बड़ा गई है और इसी वजह से दोनों देशों के संबंध काफी परेशान हो गए हैं। लद्दाख के पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 12 और 13 का विवाद अप्रैल 2020 से शुरू हुआ है और तब से दोनों सेनाओं के बीच सैन्य तनाव बना हुआ है। अगला सवाल है कि 2022 में चीन ने अरुणाचल में कौन सा कांड किया था। तो अरुणाचल प्रदेश के वे इलाके जहां चीन पेट्रोलिंग की मांग कर रहा है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दिसंबर 2022 में यांगत्से में हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को बताया था कि चीन की PLA सेना ने 9 दिसंबर को यांगत्से क्षेत्र में LAC को पार करने की कोशिश की थी और एक तरफा तरीके से स्थिति बदलने का प्रयास किया था। इसलिए भारत की तरफ से चीन की यह मांग अस्वीकार्य मानी जा रही है, चाहे वे तिब्बत हो, दक्षिणी चीन सागर या अक्षाई चीन। चीन ने अपने ताकत के बल पर दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश की है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह चीन को मुंहतोड़ जवाब दे, ताकि वह दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।